वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट का लेक्चर नंबर 1 देखने जा रहे हैं, यूनिट 7 का। ये यूनिट 7 है वो बेस्ड है वैल्यूएशन पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वैल्यूएशन होता क्या है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखो, वैल्यूएशन का तो होता है मूल्यांकन, ठीक है। वैल्यूएशन है वो वर्ड बना है वैल्यू से, वैल्यू का मतलब होता है मूल, और उसी को फाइंड आउट करना कहलाता है वैल्यूएशन, ठीक है। अगर हम लोग पूछे कि वैल्यू क्या होता है यानी मूल्य क्या होता है, तो वैल्यू है वो किसी भी प्रॉपर्टी के वर्थ को बताता है। वर्थ का मतलब उसके यूटिलिटी को बताता है, और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं मनी से, यही कहलाता है वैल्यू। चलो इसको अच्छे से समझते हैं कि पहले वैल्यू क्या होता है। हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो जो भी मेरा एग्जाम्पल रहेगा वो स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड होगा। मान लो कि एक कोई बिल्डिंग है, वो अभी जस्ट कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसको जब इमीडिएट सेल करेंगे या फिर किसी भी टाइम पे सेल करेंगे, तो सेल करते समय उसका कितना मूल्य कोई पर्सन देने के लिए तैयार है, यही कहलाता है वैल्यू। वैल्यू है वो टाइम डिपेंडेंट होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मान लो कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा है और उसके जस्ट बगल से अभी एक हाईवे बनने वाला है, और आपका प्रॉपर्टी जस्ट हाईवे के पहले आ रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब जस्ट बिसाइड यानी लेफ्ट या राइट में वो आपका प्रॉपर्टी आ रहा है, तो उसका वैल्यू यानी कहने का मतलब है मूल्य, या बोल सकते हो आप वर्थ, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू समझ में आ रहा है। वैल्यू होता है किसी भी स्ट्रक्चर या कोई भी प्रॉपर्टी का वर्थ एज कंपेयर टू मनी। आप किसी भी चीज का यूटिलिटी, उसका यूजफुलनेस आप जब उसको मनी से कंपेयर करोगे तो वही कहलाता है वैल्यू, ठीक है। जैसे एक टी शर्ट है, जनरली मान लो एक नॉर्मल सा 200-300 रुपए का टी शर्ट है, उस पर अगर MS धोनी का सिग्नेचर हो जाता है एक अच्छे से, तो उस टी शर्ट का क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाता है। तो वैल्यू कहने का मतलब क्या हो गया, उसका मूल्य बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग समझते हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है। वैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, किसी भी प्रॉपर्टी के वैल्यू को फाइंड आउट करना कहलाता है वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग वैल्यूएशन क्यों करते हैं, व्हाई वी नीड वैल्यूएशन, हम लोग को वैल्यूएशन की जरूरत क्यों होती है। अच्छा, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन जानने से पहले हम थोड़ा वैल्यूएशन को और एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पहले एस्टिमेशन, या हम लोग पढ़े थे एस्टिमेटेड अमाउंट। ये क्या होता था, एक फोरकास्ट होता था, एक बिल्डिंग जो अभी बना नहीं है, बनने वाला है, इट मे पॉसिबल कि वो 1 साल और 2 साल में बनकर तैयार हो जाए। तो फोरकास्ट करना यानी फ्यूचर में जो बिल्डिंग अभी बना नहीं है, बनने वाला है यानी फ्यूचर में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लगेगा, इस चीज़ को फाइंड आउट करना कहलाता है एस्टिमेशन। और जो अमाउंट निकलता है वो कहलाता है एस्टिमेटेड अमाउंट। समझ में आ गया, एस्टिमेशन होता है फ्यूचर में हम लोग फोरकास्ट करते हैं, बिल्डिंग जो अभी बना नहीं है उसको बनने में कितना खर्च लगेगा, उस खर्च को फाइंड आउट करना कहलाता है एस्टिमेशन। चलो, जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया, इतना समझ गया एस्टिमेशन क्या होता है, जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है, अब उसका उसका अब कॉस्ट क्या हो जाएगा, यानी जब उसको आप बेचोगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा, उसका वैल्यू क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो हम लोग किसी बिल्डिंग का कॉस्ट निकालते हैं, और वो कॉस्ट निकालने का जो प्रोसेस होता है वही कहलाता है वैल्यूएशन। समझ में आ रहा है इतना चीज। एस्टिमेशन होता है कि बिल्डिंग बनने के पहले हम लोग उसका कॉस्ट है वो फोरकास्ट करते हैं, बीम बनाने में, कॉलम, स्लैब, ये सब पेंटिंग प्लास्टर करने में कितना खर्च लग सकता है, ये कहलाता है एस्टिमेशन। जब बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है तभी हम लोग को पता चलता है कि उस बिल्डिंग को बनाने में कितना एक्चुअल कॉस्ट लगा है। समझ में आ गया। वैल्यूएशन क्या होता है, तो बिल्डिंग जब बनकर तैयार हो जाता है तब हम लोग ये निकालते हैं कि उसका अभी मार्केट में एक्चुअल दाम क्या है, ठीक है। और जो वैल्यू निकालने का प्रोसेस होता है उसी को वैल्यूएशन बोलते हैं। वैल्यूएशन टाइम डिपेंडेंट होता है, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारा फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, हम लोग वैल्यूएशन क्यों करते हैं। मान लो कि आपने एक बिल्डिंग बनाया है और उस बिल्डिंग से आप बैंक में जाकर लोन लेना चाहते हो, तो लोन जो बैंक आपको लोन देगा वो कुछ गिरवी रखेगा। आप अपना बिल्डिंग है वो, आप अपना जमीन और बिल्डिंग है वो आप गिरवी रखना चाहते हैं, तो वो उसका वैल्यू फाइंड आउट करेगा कि कितना उसका वैल्यू है, और उसी के अगेंस्ट में आपको लोन देगा। समझ में आ रहा है इतना चीज।
ठीक है, तो वैल्यूएशन क्यों होता है, तो मॉर्टगेज वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, कि जब आप अपने बिल्डिंग को गिरवी रखोगे बैंक में और बैंक से पैसा निकालोगे तो उसके लिए वैल्यूएशन जरूरी है। ठीक है, वैल्यूएशन और क्यों जरूरी है, जरूरी है टैक्स फिक्सेशन के लिए। गवर्नमेंट जब टैक्स फिक्स करती है तो बिल्डिंग का वैल्यू देख कर ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। एग्रीकल्चर प्लॉट होता है या ग्रामीण क्षेत्र में जो घर होते हैं उन पर टैक्स अलग होता है, और जो शहरी क्षेत्र में घर होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो अलग होता है। रेंट फिक्सेशन में यानी रेंट को फिक्स करने में भी वैल्यूएशन जरूरी है। कोई बिल्डिंग है वो रोड के जस्ट बगल में है, किनारे में है, तो वहाँ पे रेंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग का वैल्यू ज़्यादा है। और वही कोई एक बिल्डिंग है जो मेन रोड से काफ़ी अंदर है, ठीक है, 1-3 किलोमीटर में, तो वहाँ पर रेंट कम होगा। क्यों रेंट कम होगा? क्योंकि उस बिल्डिंग का वैल्यू कम है। तो वैल्यूएशन जरूरी होता है रेंट फिक्सेशन में, टैक्स फिक्सेशन में, ठीक है, मॉर्टगेज में यानी गिरवी रखकर आपको कुछ पैसा लेना है, इसलिए जो वैल्यूएशन है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि वैल्यूएशन के बारे में जो कुछ अभी आपको हम समझाए हैं वो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, आप उसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर से एक बार बोलना चाहते हैं कि बिल्डिंग बन जाने के बाद उसका जो वैल्यू होता है यानी जो उसका मूल्य होता है उसी को फाइंड आउट करना, उसी को कैलकुलेट करना कहलाता है वैल्यूएशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वैल्यूएशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। वैल्यूएशन इज प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एसेट। एसेट कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, कोई बाइक हो रहा हो उसको एसेट बोल सकते हो, कोई बिल्डिंग है आपके पास, कार है, फोन है, दीज आर द एसेट्स। एसेट्स हो गया जिसको आप सेल करके कुछ पैसा अर्न कर सकते हो। तो आप एसेट के बगल में लिख लेना कार, बाइक, या फिर आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी, एनी बिल्डिंग, ये हो गया एसेट। दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज टाइम डिपेंडेंट एंड वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी मे चेंज विथ टाइम। ठीक है, तो वैल्यूएशन है वो किसी भी प्रॉपर्टी का टाइम डिपेंडेंट है। जब आप एक बाइक को परचेज करते हो, मान लो 2020 में आपने एक बाइक को परचेज किया है, तब उसका जो वैल्यू होगा वो अलग होगा, और जैसे जैसे साल दर साल वो बाइक पुराना होते जाएगा उसका दाम घटते जाएगा। तो वैल्यू या वी कैन से द वैल्यूएशन इज डिपेंड अपॉन द टाइम। बिल्डिंग जैसे जैसे पुराना होता है, वैसे बिल्डिंग की बात करें, नॉट द लैंड, प्रॉपर्टी की बात नहीं करें, बिल्डिंग जैसे जैसे पुराना होता है वैसे वैसे उसका वैल्यू घटने लगता है। तो वैल्यूएशन क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन सच एज इन्वेस्टमेंट, टैक्स, एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी, ETC। वैल्यूएशन है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मतलब किया जाता है। मान लो आपके पास 10-12 लाख रुपए है, तो क्या 10-12 लाख रुपए आप किसी भी प्रॉपर्टी में दे दोगे? आप देखोगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी उस पैसे के लायक है या नहीं। मान लो कि एक ज़मीन है जो एग्रीकल्चर पर्पज से है तो उसका दाम कम होना चाहिए, और वहीं अगर एक प्रॉपर्टी कॉमर्शियल पर्पज से है जहाँ पे आप कुछ मार्केट बना सकते हो या फिर सिनेमा हॉल या मॉल बना सकते हो, तो उस तरह के प्रॉपर्टी का क्या होगा? दाम ज़्यादा होगा, वैल्यू ज़्यादा होगा। तो वैल्यूएशन आपको करके देखना होगा कि आप जो पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, टैक्स फिक्सेशन में जो गवर्नमेंट टैक्स फिक्स करती है उसके लिए भी हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है इसका, वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग मींस एस्टिमेशन ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द थिंग इन टर्म ऑफ मनी। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन टर्म ऑफ मनी। तो किसी भी प्रॉपर्टी का या कोई भी एसेट्स है जिसका आप पैसे में अगर वैल्यू निकालोगे, आप याद रखना वैल्यू निकालते हैं किसमें? पैसे में। अच्छा, वैल्यूएशन एक्सचेंज में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई एक लड़का पुराना फ़ोन लिया है जो 20-25-30 हज़ार का था, अब एक नया फ़ोन लिया है जो 7-8 हज़ार का है, दोनों आपस में कंपेयर करता है और नया वाला फ़ोन उसको दे देता है, पुराना वाला फ़ोन उससे ले लेता है, तो ये भी एक तरह का क्या हुआ? वैल्यूएशन के कंपेयर में मतलब एक्सचेंज करने के लिए भी वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में मतलब पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है। देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको एक सेपरेट आप टॉपिक बना लीजिएगा, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। तो पर्पस फॉर इन्वेस्टमेंट, आपके पास कुछ भी पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पर्पस मतलब ये वैल्यूएशन जरूरी है उस इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब एक बाइक है, ठीक है,
तो बाइक को आप खरीदना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उस बाइक को आप किसी रिपेयरिंग करने वाला मैकेनिक्स के पास ले जाओगे। मैकेनिक्स उसके इंजन को, उसके पार्ट्स पुर्जा को देखेगा और देखकर आपको एक प्रॉपर वैल्यू बताएगा और उसी वैल्यू को आप देकर उस बाइक को परचेज करोगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी वैल्यूएशन ज़रूरी होता है, टैक्स फिक्सेशन में ये ज़रूरी होता है, सेल्स के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। आप किसी सामान को बेच रहे हो तो आप सही दाम पे बेच रहे हो या नहीं, इसके लिए ज़रूरी है। रेंट फिक्सेशन के लिए ज़रूरी होता है, आप रेंट देने जा रहे हो, किसी भी चीज़ का रेंट हो सकता है, रेंट में भी फॉर द कॉमर्शियल पर्पस, आप अपना फ्लैट ले रहे हो उसके लिए रेंट हो सकता है, या कोई एक दुकान या शॉपिंग मॉल खोल रहे हो तो भी आप उसके लिए रेंट दोगे, ठीक है। मान लो एक जिम ओपन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो जिम ओपन करने के लिए आपको स्पेस का ज़रूरत होगा, आप स्पेस को आप जब रेंट पे लोगे तो आप रेंट कितना दोगे उस बिल्डिंग के वैल्यू पे डिपेंड कर दोगे, और बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा वो किस तरह से बना हुआ है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और उसका लोकेशन कैसा है, ठीक है। तो रेंट फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम में, अब बिल्डिंग का ज़्यादा अगर वैल्यू है तो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मॉर्टगेज वैल्यू, ठीक है, मॉर्टगेज वैल्यू का मतलब होता है मॉर्टगेज आप लिख लेना, गिरवी रखना हम लोग बोलते हैं, बैंक में आप जब प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर कुछ पैसा उसके अगेंस्ट में लोन पे लोगे तो वही कहलाता है मॉर्टगेज वैल्यू। गिफ्ट टैक्सेशन ये सब के लिए, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्शन बिड, गिफ्ट टैक्सेशन या ऑक्शन बिड। गिफ्ट का मतलब हो गया आप जब किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गिफ्ट करता है तो वहाँ भी आपको टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स है वो डिपेंड करता है उसके वैल्यू पे। ऑक्शन बिड के लिए यानी जब उसकी नीलामी की जाती है तो वो नीलामी, जैसे अभी बोले थे कि एक टी शर्ट है उसमें MS धोनी जो है वो साइन कर दिया है, ठीक है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा जब उसका ऑक्शन या बिड होगा यानी नीलामी होगा, तो उसका वैल्यू कुछ अलग निकाला जाएगा, मूल्य कुछ अलग निकाला जाएगा, और या निकाला जाएगा या जो हम लोग उसका मूल्य निकालेंगे वही होता है वैल्यूएशन। तो पर्पस ऑफ वैल्यूएशन कहने का मतलब है व्हाई वी नीड वैल्यूएशन। तो देखना आपको दिख रहा होगा पर्पस फॉर इन्वेस्टमेंट, टैक्स फिक्सेशन, सेल, रेंट फिक्सेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम, मॉर्टेज वैल्यू, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ऑक्शन बिड, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं वैल्यूएशन करते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी, फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का हम लोग पैसे के टर्म में जो उसका वर्थ निकालते हैं, यूटिलिटी निकालते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मनी, मनी के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाता है वैल्यू। वैल्यू का हिंदी होता है मूल्य, ठीक है। अभी इस मार्कर का दाम मान लो 20 रुपया है, ठीक है, और ये जैसे जैसे पुराना होते जाएगा इसका दाम गिरते जाएगा, वैल्यू घटते जाएगा। तो वैल्यू है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यू बढ़ भी सकता है, वैल्यू घट भी सकता है, वैल्यू कॉन्स्टेंट भी रह सकता है। समझ में आ गया। अब इसका जो वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसको बहुत सारे पैरामीटर पे जज करेंगे, और जज करने के बाद एक हम लोग इसका फिक्स अमाउंट बता देंगे कि इस मार्कर का कितना अमाउंट होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होगा वैल्यू निकालने का वही कहलाता है वैल्यूएशन। अब देखो, मान लो कि एक प्रॉपर्टी है, आपने 1 कट्ठा जमीन खरीदा है, अब वो जमीन के पास जाने का रास्ता कैसा है, वो परफेक्ट स्क्वायर है या रेल की डब्बा की तरह लंबा है, ये सब चीज़ जब ऑब्जर्व करके, मतलब अब जब वैल्यूएशन करोगे तो आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो फ्रंट रोड के फ्रंट से कितना दूर है, ठीक है, वहाँ के आसपास का सोसाइटी कैसा है, शहर से कितना दूर है, कनेक्टिविटी कैसा है, वाटर सप्लाई वहाँ पे कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है, तो ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, फिर एक प्लॉट का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो दीज ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड वैल्यूएशन। समझ में आ गया। जैसे आपने एक बाइक खरीदा तो आप क्या देखोगे, माइलेज कैसा दे रहा है, स्पीड कैसा है, इंजन कैसा, सेकेंड हैंड बाइक आप खरीद रहे हो उसका इंजन कैसा है, जो उसको पिछला ऑनर था वो उसका यूज कैसे किया, तो ये सब जो एक्टिविटी हो रहा है ना ये किसके अंदर आएगा, तो वैल्यूएशन के अंदर आएगा। आप उस बाइक का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो और उसके अगेंस्ट में 10, 12, 15 चीज़ों को आप बाइक में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो ये सब जो एक्टिविटी है वो वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के अंदर आएगी, और फाइनली आप क्या करोगे, वैल्यू फाइंड आउट करोगे। वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी होता है, तो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, टैक्स के लिए आप रेंट दे रहे हो, ठीक है, अपना जो भी पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, ठीक है, बिड ऑक्शन बिड के लिए, ये सब चीज़ों के लिए पहले हम लोग को वैल्यू निकालना जरूरी होता है।
तो उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आई होंगी। आप जितना भी नोट्स पे लिखे हो आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर रहने देते हैं, अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे का टॉपिक। थैंक यू।